हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस तरह के बेकार पड़ी पुरानी साड़ियों का रीयूज करके यूजफुल चीज़ बनाएंगे। इस तरह की पुरानी साड़ियां तो सभी के पास बेकार पड़ी होती है, जिसे हम यूज नहीं करते हैं या भी पुरानी हो जाती है। नई साड़ी ले लेने के बाद क्या होता है कि पुरानी साड़ियाँ तो अलमारी में ऐसे ही रखी रह जाती है। तो आप इससे अपनी पसंद की कोई भी ड्रेस बना करके पहन सकते हैं, या तो आप बनवा सकती हैं, या तो आपको सिलाई आती है तो आप खुद से अपने लिए ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये देखिए, साड़ी बहुत पुरानी है, लगभग 10-11 साल मेरी पुरानी साड़ी पड़ी हुई थी। तो इसका आज मैं रीयूज करूँगी। तो इसका पल्लू बहुत ही सुंदर है और ये मेरी फेवरेट साड़ियों में से एक है। तो इसका मैं एक ड्रेस बनाऊँगी, इससे एक गाउन निकल जाएगा, और पल्लू वाला जो हाफ साड़ी है, नेट का साड़ी है, इससे एक दुपट्टा निकल जाएगा। ये हाफ एंड हाफ साड़ी है, तो इसका आज हम रीयूज करेंगे। तो सबसे पहले इसके फॉल को निकाल लेंगे और यहाँ से इसके लेस को रिमूव करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए, जहाँ से ये पल्लू वाला पोर्शन है वहीं तक हमें लेस को खोलना है और इधर के साइड को नहीं खोलना। तो ये देखिए, ये साड़ी की फॉल निकल गई है और मैंने बॉर्डर को भी खोल दिया है यहाँ से। तो इस तरह से हमें पूरे में बॉर्डर को नहीं निकालना है, बस जहाँ तक हमें साड़ी वाला पोर्शन है, हाफ साड़ी है, वहीं तक निकालना है। तो ये देखिए, इधर से जो ये आंचल वाला पोर्शन है, जो नेट वाला है, इसका हम दुपट्टा निकालेंगे, वहीं तक मैंने यहाँ से बॉर्डर को रिमूव किया है। अब यहाँ से हम इसे कट करके साइड कर देंगे। तो ये देखिए, कट हो गया है, और ये जो फैब्रिक वाला पोर्शन है उसका हम गाउन बनाएंगे, और ये जो नेट वाला है, पल्लू है, उसका हम एक दुपट्टा बनाएंगे प्यारा सा, सुंदर सा। तो ये देखिए, तीन साइड में तो इसके लेस लगी हुई है और एक साइड में लेस नहीं लगी हुई है। तो इसे हम इस तरह से अटैच करेंगे। लेस के नीचे एक लाइनिंग लगी हुई है, उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और बीच में नेट वाला जो हिस्सा है उसे रखते हुए इस तरह से सेट करके पहले पिन लगा लेंगे, उसके बाद इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये नेट है तो इसके नीचे भी लाइनिंग होनी चाहिए, तभी ये सेट रहेगी, नहीं तो ये फट सकती है। तो इस तरह से पहले हम पिन लगा के सेट कर लेंगे, और इसके कॉर्नर पर हमें इस तरह से इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। पहले हम पिन लगा के सेट कर लेंगे और यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा बॉर्डर अटैच हो जाएगा और सुंदर सा दुपट्टा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, कॉर्नर पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए, सिलाई लग गई है। अब हम इसमें बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरह से जो नेट वाला फैब्रिक है उसे हम बीच में रखेंगे, नीचे में लेस की लाइनिंग लगी हुई है और बीच में नेट वाले फैब्रिक को रखेंगे, और ऊपर से लेस को इस तरह से सेट करते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो देखिए, मिलाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा लेस है इसे हम कट कर देंगे और यहाँ से इस तरह से फिनिश कर देंगे। ये जो बचा हुआ लेस है इसे हम कुर्ती में यूज करेंगे, जो हम गाउन बनाएंगे उसका हम बॉर्डर लगाएंगे। तो साइड से हमें इस तरह से फैब्रिक लगा के फिनिश कर लेना है। तो इस तरह से हमारा प्यारा सा सुंदर सा दुपट्टा बन के रेडी हो जाएगा, वो भी बेकार पड़े हुए पुराने साड़ी से, जिसे हम यूज नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से कोई भी आप अपने पसंद से ड्रेस बना सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है तब खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा गाउन भी बन के रेडी हो गया। इसमें मैंने बचे हुए लेस का यूज किया है, और गाउन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा? एक पुरानी बेकार पड़ी साड़ी से, जिसे हम यूज नहीं कर रहे थे, अलमारी में यूं ही बेकार पड़ी हुई थी, उसे मैंने एक गाउन और एक दुपट्टा बना लिया, वो भी इतना सुंदर सा पार्टी वेयर लुक दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।